चैनल वाई, चैनल वाई, अ साउथ एशियन कैनेडियन चैनल। जयसवाल जी बालाघाट से, तो इन सभी के लिए तालियां बजाओ। दोस्तों, ये नेता लोग जनता को ऐसा समझते हैं कि इनका क्या है, ये याददाश्त इनकी कमजोर होती है जनता की, ये भूल जाते हैं। आखिरी वाले 2-3 महीने इनको याद रहते हैं, इसीलिए आखिर में आपको लॉलीपॉप देते हैं। जैसे कि बीजेपी ने दिया लॉलीपॉप के 200 रुपये गैस सिलेंडर सस्ता, लेकिन ये नहीं बताया महंगा कितना किया था। तो हम लोग हैं, हमें लगता है यार सस्ता कर दिया, कमाल है। एक बात मेरी याद रखना, आज 17 तारीख को जब वोट डालने जाओगे तो याद रखना, भगवंत मान ने ये बात कही थी, ये लॉलीपॉप देते हैं आखिर में 2-3 महीने के लिए। कैसे करते हैं, एक घर था, वहां बेटी की शादी थी, अच्छा घर था, जमींदार लोग थे, जमीन थी, पैसा था कि लाडली बेटी है, शादी धूमधाम से करेंगे। उन्होंने उसके लिए सोने के जेवर, चांदी के जेवर, बड़े बड़े टीवी, फ्रिज, सोफा और बेड वगैरह, सामान बहुत इकट्ठा किया। कल बारात आनी थी, आज रात को डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में बहुत माल है, वो ट्रक लेकर आ गए और ट्रक में पूरा सामान भर लिया। लड़की वालों को, परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया, पूरा सामान ट्रक में भर के डाकुओं के सरदार ने कहा कि लड़की का परिवार किस कमरे में बंद है, ये याद रखना वोट देने से पहले। तो उन्होंने कहा जी इस कमरे में बंद है, खोलो इसको। कमरा खोला तो डाकुओं का सरदार अंदर गया, किस लड़की की शादी है, वो डरती डरती खड़ी हुई, जी मेरी शादी है। डाकुओं के सरदार ने जेब में हाथ डाला, 100 रुपए का नोट निकाला और बोले जी बेटा मेरी तरफ से शगन है, आपकी जिंदगी मंगलमय हो, बहुत बहुत आशीर्वाद। वो सारा सामान लूट के चले गए। अगले दिन पुलिस आई, भाई साहब परिवार का एक भी मेंबर डाकुओं के खिलाफ FIR लिखवाने को तैयार नहीं था। बोले भले ही सारा सामान लूट के ले गए, लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपये शगन दे गए। भाई साहब हम 200 रुपये का शगन ले लेते हैं, 4.5 थाल इनको लूटने देते हैं और आखिर में कहते हैं चलो देश तो लूट लिया लेकिन 200 रुपये सिलेंडर सस्ता कर दिया। ये जुमलों में मत आना, ये जुमले हैं इनके। जैसा कि बताया गया प्रशांत जी ने, दिल्ली में काम हो रहे हैं तो अचानक मोदी जी के पास कोई गया कि जी अस्पताल बन रहे हैं, गरीबों का इलाज बिल्कुल फ्री है, पैरासीटामोल की 5 रुपए की गोली से लेकर 50 रुपए तक का ऑपरेशन भी गरीबों के लिए फ्री है। वो जो अस्पताल हमने कमीशन लेके बनाए थे प्राइवेट वाले, वो तो जी फ्री हो गए, क्या करें। तो मोदी जी ने कहा किसने बनवाया हॉस्पिटल, बोले जी सतेंद्र जैन है, अंदर कर दो। सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया। वैसे उसके बाद कोई गया जी सरकारी स्कूल कमाल के बना दिए केजरीवाल ने, ये तो जी प्राइवेट से निकाल के बच्चे, माता पिता अपने बच्चों को सरकारी में एडमिशन दिलवा रहे हैं, जो हमने कमीशन लेके प्राइवेट स्कूल बनाए थे वो पीट रहे हैं जी, वो तो कह रहे हैं घाटे में जा रहे हैं। तो किसने बनाए हैं सरकारी स्कूल, कहते जी मनीष सिसोदिया ने बनाए हैं, अंदर कर दो। मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया। फिर बोले जी अरविंद केजरीवाल देश में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, जहां भी जाता है वो सीट पर सूफड़ा साफ हो जाता है बीजेपी का, तो क्या करें। तो बोले केजरीवाल को भी अंदर कर दो। भाई साहब अरविंद केजरीवाल को तो अंदर कर दोगे, लेकिन उसकी सोच को गिरफ्तार कैसे करोगे। जो अरविंद केजरीवाल की सोच ने पिछले 10 साल में लाखों करोड़ों और केजरीवाल पैदा कर दिए देश में, उनको कौन सी जेल में डालोगे। इनको बोल देना कि हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूटकर गिर जाएं, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। तो झाड़ू द्वारा सफाई करनी है। पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि आपने पंजाब और दिल्ली में ये बीजेपी की आंधी को कैसे रोका। मैंने कहा जी बहुत ही सिंपल है। कहते कैसे रोका। मैंने कहा जी उनका चुनाव चिन्ह क्या है बीजेपी का, बोले जी कमल का फूल। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, बोले जी झाड़ू। मैंने कहा जी कमल का फूल कहाँ उगता है, कहते जी कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या काम करता है, कहते जी कीचड़ की सफाई। मैंने कहा जी हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, पंजाब और दिल्ली में कमल उगे ही नहीं। भाई साहब पंजाब में 117 सीट है,
92 आम आदमी पार्टी के पास है, बीजेपी के पास 2 हैं। स्कूटर पर भी आ सकते हैं उनके विधायक, 2 सीटें हैं भाई साहब। ऐसी सफाई करता है झाड़ू। तो इसलिए ये अभी 2-3 दिन में ना अपना सारा बारूद जो इनके पास है, जो सारा माल है वो निकालेंगे, आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जब आएंगे मना मत करना। लक्ष्मी है, घर पे आए वापस नहीं करते, आप ही का माल है भाई सब। इन्होंने कौन सा कोई खेत बीजे हुए हैं। लेकिन हाँ, ये ऐसे करके बोल देना कि हाँ, और 17 तारीख को पोलिंग बूथ में जाके झाड़ू वाला बटन दबाकर कर देना कि जो समझ गए वो ताली बजा दो, जिनको समझ नहीं आई उनको मा। कितना समझदार लड़का है भाई साहब, सब समझ गए कटंगी वाले। तो ये तो काम हो गया भाई साहब, ऐसी करो भाई साहब। इन्होंने हमें 70 साल बुद्धू बनाया है, हमने क्या रजिस्ट्री करवा रखी है अपनी वोट की इनके नाम? अब ये भी पार्टियां बदल जाते तुम भी बदल दो। अरे ये तो संविधान की ओथ लेकर बदल जाते हैं, हमने कोई ओथ तो नहीं, भगवान की ओथ लेकर जाना वोट देने, बच्चों की आंखों में देख कर जाना वोट देने के कहां जा रहे हैं आज हम। तो जो ये काम ये देश को बर्बाद करने का कर रहे हैं उसका एक ही हल है, जनता को एक ही मौका मिलता 5 साल में, वो भी 8 घंटे है भाई साहब। सुबह 8 बजे से 9 घंटे लगा लो, 8 बजे से शाम को 5 बजे तक 9 घंटे मिलेंगे 17 तारीख को। उन 9 घंटों में अगर होशो हवास कायम रखते हुए तीसरे नंबर का बटन दबाकर कटंगी को अच्छा बनाने का आपने निर्णय ले लिया तो भाई साहब किस्मत चमक जाएगी। वरना चल रहा है भाई साहब 18 साल मामा चल गया, फिर कोई और आ जाएगा, चलता रहेगा ऐसी 70-75 साल में। तो इसीलिए मैं कहने आया हूं कि इनके जुमलों में मत आना, इनकी बातों में मत आना। ये तो भाई साहब मतलब इनका कोई दीन ईमान नहीं है, ये तो लड़ाने का काम करते हैं, वोट मांगते नहीं है। इससे पहले तो कोई वोट भी नहीं मांगने आता था, ऐसी वोट पड़ जाते थे। ये तो अरविंद केजरीवाल है जिसने इनको हेलीकॉप्टर से नीचे उतारा कि आओ नीचे वरना कुछ और हो जाएगा, झाड़ू आ गया है और झाड़ू वाले आ गए हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं घर घर में रोजगार पहुंचेगा, घर घर में नौकरी मिलेगी, बिजली मुफ्त मिलेगी, बिजली 24 घंटे मिलेगी, और सबसे बड़ी बात भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे नहीं। पंजाब में हमने एक फोन नंबर दे रखा है कि कोई आपको सरकारी दफ्तर में बाबू अगर कोई पैसे मांगता है तो मना मत करना, जेब में हाथ डाल के मोबाइल निकाल के उसकी फोटो खींच के हमारे पास भेज देना, बाकी काम हम। 450 से ज्यादा अधिकारी जेल में बैठे हैं भाई साहब, 450 से ज्यादा, और 37,568 सरकारी नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं सिर्फ डेढ़ साल में। काम करना हो तो भाई साहब कोई प्रॉब्लम नहीं, सरकारों के पास पैसे की कमी नहीं होती, नीयत की कमी होती है बस सरकारों के पास। अगर नीयत हो तो सब कुछ हो जाता है, अगर नीयत ना, ये पब्लिक है भाई साहब, जनता है। लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, और बीजेपी की तरह अहंकार करे तो लोग कहते हैं आजा बेटा फर्श पर। बड़े बड़े उतारे लोगों ने, तो इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। मैं तो यही बोलता रहता हूं जहां भी मौका मिलता है कि पंजाब से आया हूं, आप पंजाब में फोन कर लेना, बहुत से पंजाबी मध्य प्रदेश में भी आके बसते हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, जमीनें हैं, उनसे पूछ लेना कि पंजाब में 1.5 साल में कितनी व्यवस्था बदल गई है। तो भाई साहब आओ कटंगी में भी आओ, फिर बालाघाट में भी। वो ये बोल रहे थे ना प्रशांत जी, देखो अगर आप इनके घर पे इनके मंत्रियों के घर के सामने जाएं किसी काम के लिए, दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलना जब चाय पानी की बात छोड़ दो, एक छोटी सी विंडो बनाई होती है उसमें से पीए बोल देता है साहब आज घर पे नहीं, अगले बुधवार को आना। अरे यार बात तो सुन ले। नहीं कोई बात नहीं, कभी दादे की कभी पोते की,
अब ये आपका दरवाजा खटखटाएंगे, कटंगी वालों अंदर से दरवाजा मत खोलना, अंदर से ही बोल देना हम भी आज घर पे नहीं है 17 तारीख के बाद आना। तो इनको भी पता चले कि किसी दर से खाली वापस जाने का क्या दर्द होता है, इनको भी पता चलना चाहिए। तो ये बात आपके सामने, इतना ये मैं सभी प्रत्याशियों को बधाई देता हूं। ये लोग दिहाड़ी पे नहीं आए, ये लोग किसी लालच दे के नहीं आए हुए, इनकी आंखें बता रही हैं और इनका जोश बता रहा है कि इनका बस चले तो आज रात को वोट डलवा लो जी, वोट डालने को दिल कर रहा है। जब 2020 में दिल्ली में चुनाव हो रहा था, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे, तो मोदी जी ने रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ी रैली की, लाइव टेलीकास्ट, मैं भी बैठा था, अरविंद केजरीवाल जी बैठे थे कमरे में दफ्तर में, हम लाइव टेलीकास्ट टीवी पर देख रहे थे। तो वहां नारे लगे, जैसे मैंने नारे सुने मैंने कहा अरविंद जी मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर लो, मुख्यमंत्री बनोगे। बोले आपको कैसे पता चला? मैंने कहा जी ये नारों से पता चला। कहते नारे तो ठीक लग रहे हैं। मैंने कहा नहीं सर, नारे लाने का अंदाज जो होता है ना जनता का, वहां से पता चल जाता है कि नारा दिल से आ रहा है या फिर कोई दिहाड़ी व्याड़ी पे आए हैं। कहते कैसे? स्टेज से नारा लग रहा था हर हर मोदी, लोग कह रहे थे हर हर मोदी। मैंने कहा जी ना तो आवाज ऊंची है और गर्दन नीचे जा रही है, हाथ तो ऊपर जा रहा है, ये दिहाड़ी पे लाए हुए हैं, ये वोट नहीं देंगे। वही बात, अब मैं नारा लगवाऊंगा, हाथ भी ऊपर जाना चाहिए और गर्दन भी ऊंची उठनी चाहिए। आपने भगत सिंह के, राजगुरु सुखदेव के, चंद्रशेखर आजाद के बुद्ध देखे होंगे, ऐसे होते हैं, ऐसे के हाथ भी ऊपर गर्दन भी ऊपर, दोनों हाथ ऊपर उठा के दो नारे लगा दो, पता चल जाएगा। चैनल वाई, चैनल वाई, अ साउथ एशियन कैनेडियन चैनल।